हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये देखिए बिहार शरीफ में कितनी भीड़ और कितनी संख्या में लोग उतरते हैं। मैं इसका डेवलपमेंट दिखा रहा हूं, रीडेवलपमेंट दिखा रहा हूं। यहां पे बहुत ज़्यादा ही स्पीड में डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि एक महीना पहले मैं जब अपडेट देने आता था इस पर किसी सिर्फ मट्टी भरा था, लेकिन अभी ढलैया भी हो चुका है, साइड का भी काम हो चुका है और स्टेयर जो देख रहे हैं आप फुट ओवर रेलवे फुट ओवर ब्रिज उसका भी काम आधा इस तरफ से खींचा हुआ है और इस तरफ भी 2, 3, 4, 5 सभी पे काम चल रहा है। मैं इस साइड भी चल करके अस्थमा साइड जो बन रही, देखिए भीड़ कितनी भीड़ है बिहार शरीफ जंक्शन पे। ये छोटा मोटा जंक्शन नहीं है, ये फ्यूचर में बड़ा जंक्शन होने वाला है, 5 प्लेटफार्म है। वो सारा डिटेल मैं आपको दूंगा, सब बताऊंगा एक एक करके। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, देखूंगा टिकट काउंटर में कुछ डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, या वही जो पुराना है वही रहेगा। स्टेशन की तो कंडीशन मैं दिखा रहा हूँ, प्लेटफार्म की कंडीशन दिखा रहा हूँ। चलिए कुछ आगे दिखाता हूँ आपको। ये जो फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं, रेलवे फुट ओवर ब्रिज, ये अभी नया बन रहा है। इससे पहले जो वीडियो का मेरे पीछे में है वो भी मैं चलकर दिखाऊंगा। देखिए यहाँ का डेवलपमेंट, इसका काम बहुत फास्ट चल रहा है। इस पर भी काम चला, उस पर भी काम चला। ये सब एक महीना पहले कुछ नहीं था, मतलब सिर्फ लाकर सामान रखे हुए था। और ये नया प्लेटफार्म एक नंबर जो है उसी को जो है कि लेंथ बढ़ाई गई है काफ़ी दूर तक। और अभी पटना से यहाँ आने के लिए 5 ही ट्रेन है, एक बुद्ध पूर्णिमा है, एक श्रमजीवी है, एक राजगीर इंटरसिटी है और एक दानापुर तिलैया है और एक जो है कि शाम में खुलती है। तो इतनी ट्रेनें पटना से आती है, फिर बख्तियारपुर से 2-3 है और एक ट्रेन जो है कि फतुहा से नूरसराय जो नेवरा दनियावा रेलवे लाइन है उस रूट से आती है। तो 8 ट्रेन आती है इस रूट से अभी प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर में 80 होगा, ये भी वो भी मैं दिखाऊंगा। और मैं हमेशा इस ट्रैक के बारे में बात करता था कि किस लिए बनाया जा रहा है, वो भी मैं चलकर दिखाता हूँ। फिर आपको 4, 5 एक एक अच्छे से घूमकर दिखाऊंगा, फिर मैं जाऊँगा वहाँ, फिर हमें रिटर्न वापस आना पड़ेगा। तो आप बने रहिए लास्ट तक बिहार शरीफ के डेवलपमेंट को देखने के लिए। तो ये जो मैं बताता था, तो अब मैं देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इंजन सेंटिंग के लिए या फिर जो भी गाड़ियाँ जो ट्रैक के लिए काम करती है वही चीज़ है जो गिट्टी को मेंटेन करती है, गिट्टी को रिन्यू करती है, मतलब उसे निकाल करके या ट्रैक को सीधा करती है, ये वही गाड़ी है। और यहाँ पे खंभे भी लगाए जा चुके हैं यहाँ तक, उसके बाद आगे में खंभे नहीं लगाए गए हैं। लेकिन 4-5 का वर्क तो बड़ा ही बेहतरीन हो चुका है। इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट का कहीं डिटेल नहीं है, लेकिन नेवरा दनियावा का जो रूट का जो कॉस्ट है उसका इस बार 250 करोड़ रुपया मिला है। लेकिन देखिए क्या प्रोग्रेस है, 2024 तक तो चालू करना है। और ये बिहार शरीफ से लेकर के दनियावा तक ऑलरेडी ऑपरेशनल है 42 किलोमीटर, और दनियावा से लेकर के और नेवरा तक का काम चल रहा है। और इस साइड जो है कि अस्थमा है, बड़बीघा है, ये आगे जाके ऐसे जब होइएगा तो अस्थमा बड़बीघा चले जाइएगा। लेकिन आगे चलूँगा तो उसका भी अलग से नहीं, इसी में अपडेट दूंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। और ये पूरा बिहार शरीफ शहर है, इस साइड आपको जाने के लिए बिहार शरीफ रामचंद्रपुर बस स्टैंड, इस साइड खंडक पे बस स्टैंड, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन मैं आपको अभी प्रेजेंट में इस साइड लेकर चलूँगा। ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इसी के जो है कि गिट्टी का मेंटेन किया जाता है, मतलब गिट्टी पटरी लगा करके उसके बाद गिट्टी को धसाया जाता है, सेटअप किया जाता है ताकि वाइब्रेट से गिट्टी हिले नहीं। ये वाइब्रेटर मशीन है जस्ट लाइक। और यहाँ पे भी खंभे लाकर रखे हुए हैं, आगे में जो है कि यहाँ पे काम चल रहा है वो भी मैं क्लोज चलकर दिखाता हूँ। और इसकी काफ़ी लेंथ बढ़ा दी गई है, लगभग 600 से 700 मीटर, और उस तरफ का लगभग 100 मीटर बढ़ाया गया है। अप्रोक्स सभी प्लेटफार्मों को 500 से 700 मीटर का लेंथ कर दिया गया है। इस पर टाइल्स का भी काम चलने वाला, जो आदमी जहाँ रखे हुए हैं वो टाइल्स का वो लेवल है, मतलब लगभग 3 इंच ये और ज़मीन स्तर से उठेगा। और यहाँ पे खंभे लगाए हुए हैं और ये मशीन से जो है कि जांच रहे हैं। आगे में टाइल्स लगाने का काम चल रहा है, हालांकि तो यहाँ पे टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। जो एक लेवल देखा है, जो इस पर मैं खड़ा हुआ तो इससे 2 इंच हाइट पर ही टाइल्स रहेगा, मारो ये वाइट टाइल्स है, ये रेड वाला टाइल्स। और यहाँ पर काम चल रहा है और सीधे जो है कि बख्तियारपुर होते हुए पटना चले जाएगा और ऐसे देखपुरी एक जगह है, तो वहाँ से नेवरा दनियावा के लिए टर्न हो जाती है। और ये न्यू प्लेटफार्म है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, न्यू प्लेटफार्म से मतलब है कि ये प्लेटफार्म का लेंथ बढ़ाई गई है, जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये पहले ओल्ड जो वहाँ तक है वहीं तक है, उसके बाद इतना बढ़ाई गई है। तो ये राजगीर इंटरसिटी जो आती है वो बहुत लंबी ट्रेन है, लगभग 22 से 25 बोगियों का है, तो यहाँ तक आकर रुकती है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसकी काफ़ी लेंथ है और मालगाड़ियों की संख्या इस पर बहुत ज़्यादा गुजरती है। चलिए अब मैं 4-5 का कुछ झलक दिखाता हूँ। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1-2 ऑलरेडी ऑपरेशनल था, 3-4 पे भी खंभे लगाए जा चुके हैं, केबलिंग का काम किया जा चुका है, अच्छे से केबलिंग का काम किया जा चुका है। और उस पर जो है कि ढलैया कर करके, और ढलैया इस पर भी किया हुआ है, ढलैया उस पर भी किया हुआ है पानी के लिए, वो साइड जो हाइट में थोड़ा सा देख रहे हैं वो पानी रोकने के लिए है। और उस पर भी रेड वाला टाइल्स लगाया जा चुका है, तो काम बहुत हद तक खींचा हुआ है। चलिए अब मैं आपको इस साइड वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आता हूँ फिर से, उसके बाद और आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये बिहार शरीफ जंक्शन का इस साइड से सीधे चले जाइएगा आप, तो राजगीर चले जाएगा। और जैसे ही ये न्यू रूट के लिए जो बड़बीघा से पूरा है बिहार शरीफ, तो इस साइड ऐसे गाड़ी मुड़ेगी आगे चल के, मैं फ्यूचर अपडेट दूंगा आपको, और भी बहुत बड़ा अपडेट दिया हूँ तो वहाँ तक। और ये पूरा बिहार शरीफ स्टेशन का मेन गेटअप सेटअप है, इस साइड ही वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, ये सब है। तो इस साइड किसी तरह का भी डेवलपमेंट नहीं है। टिकट काउंटर के साइड जो मेन डेवलपमेंट है वो प्लेटफॉर्म का है, ट्रैक लगा दी गई है, खंभे का काम किया जा चुका है, बहुत अच्छे से किया जा चुका है, सिग्नल के लिए भी लगाया जा चुका है।
और इस साइड भी ट्रैकें अच्छे से जोड़ दी गई हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि सीधे राजगीर और जहाँ से ऐसे मुड़िएगा तो फिर आपका बरबीघा से एक पूरा रूट जाएगी। इसका अभी काम चल रहा है, मैं इसका एक अच्छे से अपडेट दिया हूँ, फिर से अपडेट दूंगा। चलिए मैं इस साइड कुछ प्लेटफॉर्म का वर्क अपडेट देता हूँ आपको। और लोग कहते हैं कि बिहार शरीफ में काम चल ही नहीं रहा, देखिए कितना स्पीड काम चल रहा है, वो आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं बिहार शरीफ स्टेशन का स्टार्टिंग डे से ही मतलब अपडेट दे रहा हूँ, जब ये सब काम हो रहा था तभी से अपडेट कर रहा हूँ। ये जो खम्भे बीच में देख रहे हैं ये लाइट के लिए है, बाकी तो वायर के लिए काम कम्प्लीट कर लिया गया। उस साइड जो है कि गिट्टी भी लगा दिया गया है, मतलब गिट्टी भी टाला जा रहा है, गिट्टी सेटिंग की जा रही है, क्योंकि ट्रैक तो काफ़ी दिनों से बिछी हुई थी। और इस साइड भी जो आप देख रहे हैं तो ट्रैक लगा करके अभी गिट्टी का हाफ ही काम हुआ है, हाफ काम अभी बाकी है जो दिखा रहा हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ और भी कुछ। वैसे मेन जो डेवलपमेंट है 2 और 3 प्लेटफॉर्म का मेन है, अभी भी इस पर बहुत सारा काम बाकी है। और इस साइड तो वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, ये सब है ही। और भी ट्रेनें इस ट्रैक पर आती हैं, मालगाड़ियाँ बहुत सारी आती हैं, लेकिन जो खास ट्रेनें थी वो मैं बताया आपको कि 6 ट्रेनें बिहार शरीफ, 8 ट्रेनें बिहार शरीफ स्टेशन पे रुकती है एक तरफ से, दूसरी तरफ 16 हो जाएगी। लेकिन उतनी जानकारी है हमें कि उतनी ट्रेनों से मैं आया गया हूँ, तो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। तो खंभे लगा दिए गए हैं, लाइट का काम हो चुका है, वायर लगा दिया गया है ट्रेन के इंजन के लिए, समझिए कि काम ऑलमोस्ट 55% से 60% काम हो चुका है। इस साइड भी काम हो चुका है, इसके बनने से जो है कि फ्यूचर में हमें और आपको और सभी को फ़ायदा होने वाला है। जो बिहार के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उन्हें आना जाना और आसान हो जाएगा। फ्यूचर में यहाँ से बहुत सारे बड़े सिटी के लिए ट्रेन खुलेगी, या मुंबई हो, दिल्ली हो, अभी तो दिल्ली के लिए खुलती ही है, हावड़ा हो, तो इन सब जगहों के लिए यहाँ से भी स्टेशन के लिए से ट्रेन खुलेंगी, तो हमें और आपको फ़ायदा होगा फ्यूचर में। क्योंकि जब नेवरा दनियावा रूट खुल जाएगा तो जो ट्रेन पटना ना जा करके बाहर बाहर निकलेंगे तो और भी ट्रेनें के चांसेस, या फिर जिनको पटना नहीं रुकना होगा, जो ट्रेन का टर्निंग पटना पॉइंट नहीं होगा, तो वो इस रूट से निकल सकते हैं बरबीघा से पूरा होते हुए फ्यूल। और ये सब सेट जो है ऑलरेडी बहुत दिनों से कंस्ट्रक्टेड है, ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म के काम देखें तो लगभग कंप्लीट ही है, समझिए। तो अब साफ़ सफाई कर करके ये फुट ओवर ब्रिज बन जाएगा, हो जाएगा। वैसे टोटल ये फुट ओवर ब्रिज बनने के बाद जो है कि 2 फुट ओवर ब्रिज बिहार से जंक्शन पर हो जाएगा, जो कि उस साइड से मेन बाज़ार से आप वहाँ से ऑटो पकड़ करके और इस पर आ सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो है कि सीधे काफ़ी लंबी चौड़ी ये प्लेटफॉर्म है, सीधे बख्तियारपुर की ओर या पटना की ओर। इस तरीके से मैं पूरा अपडेट आपको दिखाया और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी इस पर काम बाकी है, तो चदरा वगैरह लगेगा, जैसे जैसे इसका वर्क चलता रहेगा अपडेट मैं देता रहूँगा। चलिए और भी मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ से वो ट्रैकें आएंगी। तो जो मैं फुट ओवर ब्रिज की बात कर रहा था, तो एक जो है कि सामने है देखिए वहाँ, और एक जिस पर मैं खड़ा हूँ मतलब ये, और इस साइड जो है कि टिकट काउंटर, रेस्ट काउंटर है। चलिए दिखाता हूँ कुछ उधर। ये सीढ़ी से निकलिएगा तो ऐसे होते हुए सीधे बाहर चले जाइए, वो बाहर का गेटअप सेटअप है। रेस्ट रूम वगैरह सब दिखाता हूँ, लेकिन आगे में तो पानी जमा हुआ है, देखते हैं। ये यहाँ से उतरने के लिए है, और उस साइड पूरा प्लेटफॉर्म है, इस साइड पूरा प्लेटफॉर्म है, देखिए ऊपर से ऐसा दिखता है। ये बिहार शरीफ का पूरा बाहर का गेटअप सेटअप है, जहाँ पर गाड़ियाँ आकर रुकती है, जो ऑफिशियल रोड है वहाँ पर देखिए मछली भी मारा जा रहा है। ये स्टेशन पे ये हाल है, खैर वो तो बात की बात है। और इस साइड टिकट काउंटर है, वेटिंग हॉल है, इस साइड से आप अंदर चले जाइएगा, यहाँ पर ट्रेनों का डिटेल है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसको। तो टोटल 9 गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं, अप एंड डाउन में ठड़ा हो गया। और इस साइड टिकट काउंटर है, टिकट उस साइड काउंटर हो गया, इस साइड रिजर्वेशन काउंटर हो गया। तो जो भी है मैं एक अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बिहार शरीफ का है, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पूरा बिहार शरीफ का मैं दिखाया आपको शुरू से अंत तक। अब मैं वीडियो को एंड करूंगा, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।